हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीम आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, यहां पर मैं अगर दिखाऊं तो देख सकते हैं कि फूलों की बगिया कितनी अच्छी लग रही है। इसके अलावा उस साइड में भी जो है काफी सारे जो फूल है वहां पर लगा हुआ है। और दोस्तों, साथ में जो हमारे हैं आप पहचान गए होंगे, पूरन आगरे जी हैं हमारे बीच में और इन्होंने ही पूरा ये कारनामा किया है। हर साल जो है इस तरह से जो सीजनल फूल है वो लगाते रहते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमेशा ही इनकी मेहनत जो है इनके छत पर और इनके आंगन में हमें दिखाई देती है। तो चलिए, इस बार कैसे कैसे इन्होंने मेहनत की है और कैसे मिट्टी बनाई है, क्या क्या डालते हैं और इनके क्या अनुभव है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। सर, बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में आपका। धन्यवाद। आपको भी मेरे घर में वीडियो बनाने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। आप हर साल आते हैं, इसके लिए मुझे आपके यहाँ आने का बड़ा हमको भी सौभाग्य है कि आप आ जाते हैं, बनाते हैं, जो कि सभी जगह प्रचारित और प्रसारित होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपके यहाँ पर आ करके, और फूलों को देख करके तो अच्छा लगता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा लगता है कि इस उम्र में आप हमेशा एक्टिव रहते हैं इन फूलों के साथ, इन बगिया के साथ, जबकि अधिकतर लोग जो है छोड़ देते हैं। और इस उम्र में भी क्या, जो अगर जो यंग भी है तो उस एज में भी जो है इस तरह की चीजें कम लोग ही करते हैं। सोचते हैं कि बहुत ज्यादा बेकार की चीजें हैं, बहुत टाइम बेकार होता है, समय नहीं मिल पाता। तो आप कैसे समय को मैनेज करते हैं? ऐसा है कि देखिए, अपनी अपनी सोच है, अपने विचार हैं। यदि आप अपने मन से अच्छे विचार, अच्छे सोच करके कोई कार्य करेंगे, उसका परिणाम भी अच्छा होता है। यह सोच आपकी मानसिकता पर, आपके मन से ही बनती है। और मैं बचपन से ही, मेरा यह सौभाग्य रहा है, प्रभु की मुझे कृपा, असीम कृपा रही, क्योंकि मैं जो भी इस प्रकृति से जुड़ा हुआ होने का एक अपना सौभाग्य मानता हूँ और इसकी, इन फूलों की सेवा करता हूँ और जनसेवा भी करता हूँ। ठीक ठीक, मतलब सभी चीजों से जुड़े हुए हैं। फूलों के साथ भी और लोगों की सेवा है। मैं जनसेवा भी करता हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए तत्पर रहता हूँ। और इन फूलों से मुझे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि यह ईश्वर की दी हुई प्रगति है हमारे पास और इससे सीख मिलती है और प्रकृति हमको सीख देती है। इससे हमको सीख लेना चाहिए कि भाई हम मनुष्य हैं तो हमको करना क्या चाहिए। कुल मिलाकर के मन से ये प्रेरणा आती है करने की। हाँ, तन जैसा भी हो साथ दे ना दे, लेकिन अगर मन साथ दे तो हम मन कर सकते हैं। मन साथ देता है तो हमारा तन भी फिर साथ देने लगता है ना। बिल्कुल, बात यह है कि देखिए, हमारी सोच सही होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हम मेनली जो है इन फूलों के ऊपर बात करेंगे। ये जो गेंदा आप लगा रहे हैं, इतने बड़े बड़े गेंदा आ रहे हैं, क्या ये बीजों से उगाए हुए पौधे हैं या पौधे डायरेक्ट आपने नर्सरी से लिए? नहीं, ये नर्सरी से लिया हुआ हूँ मैं। मैंने कुछ पौधे यहाँ भी मैंने बीज से रोपित किए हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं बने हैं। तो नर्सरी से जब लाए थे, क्या उस समय इसमें फूल थे या छोटे छोटे पौधे थे और उनका रोपण में यहाँ गमलों को तैयार करके। कितने इंच का होगा? 2-3 इंच के लगभग? नहीं, लगभग 1 इंच का पौधा। 1 इंच का पौधा था, मतलब एकदम छोटे में लाए थे। और क्या रेट आपको मिला था ये? ये एक पौधा मुझे 7 रुपए का मिला था। 7 रुपए का मिला था। हाँ, और इधर वाले जो पौधे हैं तो ये भी क्या नर्सरी से लाए? नहीं, ये मैं बीज लिया था नर्सरी से, लेकिन ये बीज मुझे उतने अच्छे नहीं मिले, लेकिन ये भी ठीक है, अच्छा है। फूल तो आ ही रहे हैं इसमें। हाँ, भी। हाँ, लेकिन इनके मुकाबले जो है कम है। ये अलग वैरायटी है और इधर के अलग वैरायटी। हाँ, ये अलग वैरायटी है। ठीक ठीक, तो यहाँ भी लाइन से लगे हुए। हाँ, और ये कितना टाइम हो गया, आपने कब लगाया था? ये मैं लगाया हूँ इसको सितंबर में। सितंबर में? हाँ, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ, तो काफी हो गया। इसका मतलब लगभग 4 महीने पहले आपने लगा दिए थे? पौधे लगाया था मैं। 3.5-4 महीने इसमें हो गए हैं। हाँ, तो इसमें जो मिट्टी वगैरह तैयार करने का आपका प्रोसेसर रहता है, क्या रहता है? मिट्टी का प्रोसेस मैं आपको पहले पूर्व ही बताया हूँ, आज भी बता रहा हूँ। इसमें मिट्टी और उसका तिहाई भाग बालू। ठीक ठीक,
और उसके बाद इसमें जो है कि गोबर की खाद ये मिलाते हैं, ये गोबर की खाद मिलाता हूँ, और इसमें फ्यूराडान जो कीड़े मारने वाली दवा है वो भी मिला, वो भी मैं मिलाता हूँ। उससे ये होता है कि पौधों को ऑक्सीजन ही मिल जाती है पर्याप्त मात्रा में, और कीड़े भी नहीं लगते हैं, और उसका ग्रोथ सही रहता है। क्योंकि किसी भी कार्य को कीजिएगा तो उसके बारे में पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी वो कार्य सफल हो पाता है। फ्यूराडान का असर है कि मिट्टी में कीड़े नहीं लगते, इस वजह से जो पौधे हैं यहाँ पर इतने अच्छे स्वस्थ नजर आ रहे हैं और फ्लावरिंग भी खूब अच्छे से कर रहे हैं। हाँ, बाकी इसके अलावा बीच बीच में कोई खाद देना होता है क्या इसमें? नहीं, ऐसा नहीं, परिस्थिति आती है, खाद आती है वो ये आपके लिक्विड में, ठीक, उसको भी हम देते हैं बीच बीच में, कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइजर यूज करते हैं। हाँ, और फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और सरसों की खली वगैरह डालते हैं क्या इसमें? हाँ, सरसों की खली डालते हैं, उसका भी लिक्विड बना करके, लिक्विड बना करके। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो मुझे नजर आ रहा है एक साथ कई तरीके के फूल इसमें आपने लगाए हैं, लगभग चार तरीके के फूल आपने एक ही गमले में लगाए हैं। इसलिए मैं लगा दो चार तरह के, क्योंकि गुलदस्ता बन जाता है, ठीक, गुलदस्ता देखने में अच्छा लगता है, ये बड़ा अच्छा मन को भी भाता है, और ये जितने भी हमारे हैं गुलदावरी हैं, ये हर प्रकार के मेरे पास मैं रखता हूँ इनको, और इनका रोपण करता हूँ, और इसी में आनंदित रहता हूँ। इसमें तो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, ये जो गुलदावरी है ये जैसे आप तैयार कर रहे हैं तो इन्हीं के ब्रांच से ही तैयार किया हुआ है? हाँ हाँ, ये ब्रांच से तैयार किया हुआ है। कटिंग, और ये कटिंग आपने कब लगा दिया था? ये वही सितंबर अक्टूबर में लगाया, छोटे छोटे। अच्छा, उस समय लगा दिया। अब इसमें जो है फ्लावरिंग हो रही है दिसंबर में जो है, नवंबर से ही शुरुआत हो जाती है। हाँ, और इसमें तो फ्लावरिंग हो भी चुकी है। हाँ, तो सूखने भी लगा है ये। हाँ, ये इसको हजारा भी कहते हैं। अच्छा, अच्छा। जाफरी भी कहते हैं लोग इसको। तो ये बीजों से बना? ये बीजों से मैं नहीं, ये ब्रांच से बनाया हूँ। ब्रांच से ही बनाया? ये ब्रांच से बनाया हूँ, फिर मैं इसी के बीजा रोपण किया हूँ। ये विभिन्न रंगों के होते आते हैं ये। तो अभी जैसे ये फूल सूख रहे हैं, क्या यही बीज बन जाएंगे? हाँ, यही बीज बन जाएंगे, इसको सुरक्षित रख करके, इसको सुखा करके। फिर ये आप कब लगाएंगे दोबारा नेक्स्ट? मैं कुछ तो अभी बीजारोपण कर दिया हूँ। अच्छा, क्योंकि गर्मी के सीजन में ये बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक ठीक। और गमले में मेरी मिट्टी भी तैयार है, और उसके बाद मैं इनको रोपण करूंगा, तो गर्मी में पूरे घर में जो है कि पूरे आच्छादित हो जाएंगे। मतलब दोबारा से भी अभी लगातार आप? हाँ, अभी से तैयारी करेंगे तब ना हमको समय से मिल पाएंगे। अच्छा, इनको क्या थोड़ा सा लेट लगाया था कि इनमें अभी? हाँ, नहीं आ पाए। हाँ, ये इनको कुछ लेट लगाया था मैं, मेरे पास पौधे थे। ये जनवरी में जो है आपके इसमें फ्लावरिंग होगी? हाँ, लेट लगाया तो थोड़ा सा लेट में ही इसमें फ्लावरिंग फिर होने लगेगी। ब्रांच बचे हुए थे तो मैं इनमें शिफ्ट कर दिया इनको, और जो पहले के लगे हैं फ्लावरिंग हो रही है। गुलदावरी देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा आपने लगाए हैं। हाँ, गुलदावरी, क्योंकि गुलदावरी का सीजन है ना ये, तो इसमें ये अच्छा बड़ा मनोरम दृश्य बन जाता है घर का। बिल्कुल, ये जो अच्छा है तो बिल्कुल खिला हुआ रहता है, पत्ते भी नजर नहीं आते। और एक जगह मैं जो है देख रहा हूँ, देखिए फूल में ना तो कहीं कोई दाग है ना कोई कीड़ों का अटैक है, लेकिन पत्तों में बहुत ज्यादा अटैक हुआ है और बिल्कुल काला काला कर दिया है। कीड़ों की वजह से हुआ है, मैंने जबकि स्प्रे किया है, स्प्रे करने के बावजूद भी हो रहा है। हाँ, ये जो तो इस तरह का है, अब तो कोई फायदा नहीं है स्प्रे का, क्योंकि फूल आपके स्वस्थ है। देखिए, इसका असर फूलों पर नहीं पड़ता है। इस पौधे में ये खासियत है कि पौधा भले ही पत्ते बिल्कुल खराब हो जाए, और इधर जो है काफी सुंदर फूल, ये पीले कलर के ये भी आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, देखिए ये तो परमानेंटली रहता है, खिलते रहते हैं। ठीक ठीक। फूल तो मतलब सर्दियों में ज्यादा आते हैं, लेकिन पौधा रह जाता है। पौधा रह जाता है, ये गर्मी में ये फूल आते हैं। हमारे पहाड़ों में इसको जो है ये चैत के महीने में संक्रांत को फूलदेई कहते हैं, उस समय इसको घरों में लोग दरवाजे पर इसको डालते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इन्हीं फूलों को। ठीक। हाँ, और इसके अलावा यूफोर्बिया मिली की ये एक वैरायटी मैं देख रहा हूँ, जो कि बहुत छोटे छोटे फूल हैं इसमें। हाँ, हाँ, और ये भी काफी सुंदर लग रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। हालांकि यूफोर्बिया मिली का मैंने बहुत सारा जो वैरायटी है वो देखा है, लेकिन ये वैरायटी आपके पास पहली बार मैं देख रहा हूँ। हाँ, इसको मैं नर्सरी से लिया था। नर्सरी से लाए थे, कभी नर्सरी में जाता हूँ तो जो मुझे अच्छा लगता है। ठीक। लोगों को और चीज का शौक है, लेकिन मुझे फूलों का ही शौक है, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े व्यक्ति हैं और प्रकृति से जुड़ा हुआ होना भी चाहिए।
नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रकृति से जब तक इंसान नहीं जुड़ता है तो अच्छे जो संस्कार है, अच्छे जो गुण है, वो भी उनमें पैदा नहीं हो पाती है। हाँ, और एक चीज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ कौन से बीज आपने लगाए हैं? ये मैं हजारे के पौध डाल दिया हूँ बीज। अच्छा, हजारे के। और कितने दिन पहले डाला था ये? ये दो तीन चार रोज हुआ है। अच्छा, तीन चार दिन। पौधे निकलने भी लगे हैं, छोटे लगे हैं। ये हमारे गर्मी में ये गमलों में शिफ्ट करेंगे इसको। ठीक ठीक। हाँ। तो पौधे बनने उसके भी शुरू हो गए। हाँ। और थोड़ा सा जो है नीचे भी चलेंगे कि वहाँ गेट के पास किस तरह का नजारा है। पर सर के हम आंगन में भी आ गए हैं और इस समय हालांकि गुड़हल का सीजन नहीं है लगभग, लेकिन फिर भी गुड़हल जो है खिल रहे हैं आपके यहाँ। इसमें मतलब गर्मी सर्दी दोनों समय में आता रहता है? हाँ। तो दोनों में ही रहते हैं। ऐसा ना, इनको यदि इनका रख रखा इनका हम सही ढंग से करेंगे ठीक ठीक तो हमको मिलेंगे, फ्लावर होगी। इसमें भी मैं देख रहा हूँ, जबकि ये आम के पेड़ के नीचे है, पत्ते लगभग झड़ चुके हैं, लेकिन फूल देखिए लगातार आ रहे हैं इनमें। तो इस समय कुछ खाद देना हो रहा है इसमें? हाँ, इसमें खाद देते हैं। क्या खाद देना हो रहा है? कंपोस्ट खाद देते हैं। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट, केंचुए की जो खाद होती है। यहाँ भी मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, ये देखिए, ये बहुत बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये फूल। हाँ, और काफी अच्छे अच्छे कलर के जो गुड़हल है। हाँ, इनको इधर नीचे तैयार किया हूँ। ठीक ठीक। यहाँ मैं दिख रहा हूँ, इसमें भी जो है पत्ते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फूल हमें नजर आ रहे हैं बहुत सारे। ठीक। और इधर भी है एक पौधा, तो ये एक एक वैरायटी के दो तीन पौधे भी हैं, तो क्या इनको कटिंग से भी तैयार किया? कटिंग से किया हूँ इनको, कटिंग से भी बनाया है, तो आराम से हो जा रहे हैं कटिंग। ठीक ठीक। सब कटिंग से नीचे नीचे भी बहुत सारा आपने लगाया हुआ है, गुलदावरी है और यूफोर्बिया मिली यहाँ भी है। हाँ। इस कोने में भी ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे भी जो गार्डनिंग एरिया है, हालांकि ये शेडी एरिया है, देखिए यहाँ पर एक आम का पौधा है उसके नीचे है, फिर भी इसमें फूल खिल रहे हैं और गुलदावरी भी नीचे नीचे आ ही रही है। हाँ, दिन में थोड़ी बहुत धूप आती है क्या? हाँ, थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत आती है। ठीक। थोड़ा सा गेट को भी देखेंगे, देखिए ऊपर जो है ये फूल खिलने के लिए रेडी है, यहाँ फूलों की बेल है और कुछ दिन में जो है इसमें भी फूल आ जाएंगे। पोइनसेटिया फायरबॉल, ये हाल ही में लगाया क्या? हाँ। अच्छा, गेट के इस तरफ लगा दिया और उस तरफ भी शायद आपने लगाया है? उस तरफ भी लगा, देखा है इधर भी, उस तरफ भी लगा दिया। अच्छा, दोनों तरफ, ताकि दोनों तरफ एक जैसा नजारा रहे। हाँ। लाल लाल फूलों का, तो यहाँ भी लगा दिया। इसमें तो पत्ते बिल्कुल नहीं है इस समय, तो केवल फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। और थोड़ा सा हम बाहर की ओर चलते हैं, अगर मैं बाहर का नजारा दिखाता हूँ तो आप यहाँ भी देख सकते हैं गेट के बिल्कुल किनारे से जो बाउंड्री वॉल है, तो बहुत सारे फूलों से भर रखा है पूरा का पूरा। तो इस तरीके से सब जगह जो है गुलदावरी और गेंदे से सर ने भर दिया है। तो बहुत अच्छा लगा आपके गेट से एंट्री से लेकर के और छत की गार्डनिंग, और हर साल इस तरह से आप करते हैं, आपकी दीर्घायु हो और आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, और आपका गार्डन दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आते हैं और हमारे गार्डनिंग को देख करके आप भी खुश होकर के इसका वीडियो बनाते हैं, और जो कि जन जन तक जाता है, यह भी मेरा सौभाग्य है जो कि मेरे किए हुए कृत्य का प्रतिफल लोगों पर प्रसारित और प्रचारित करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।